आप ऐसा बिल्कुल ना समझें कि मैं भूल गया हूँ कि मैंने कहा था आपसे क्लास 150 पूरी होने के बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 100 या 200 क्वेश्चंस आप तक पहुँचाऊँगा, मुझे याद है वो, लेकिन थोड़ा डिले उसमें यूँ हो जाएगा कि वो PDF बन रही है, PPT फाइल बन रही है, 100-200 क्वेश्चन बनने में टाइम लगता है, फिर इसकी छुट्टी करनी पड़ती मुझे, तो मैं 155 या 160 के बाद में 200 क्वेश्चंस या 100 क्वेश्चंस की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। फिलहाल क्लास नंबर 151, आज एक्सरसाइज नहीं है क्योंकि अभी टेस्ट हुआ है, कल से एक्सरसाइज मिलनी शुरू होगी, कल से मैं वो क्वेश्चंस भी छोड़ना शुरू करूंगा जो मैं आपसे पूछता था कि इसका आंसर क्या होगा, यानी कि आपको कमेंट बॉक्स में जो आंसर देना होता था उस पर भी चर्चा करेंगे, अगले दिन को फिर उसका आंसर देंगे, ये काम और जोड़ दिया गया कल से। तो आज की जो हमारी PDF है बच्चों, यानी कि जो क्लास है हमारी, ये वो हमारी क्यू अल्फ़ाबेट के साथ शुरू हो रही है, हालांकि पी काफ़ी हो गया, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, तो एक एक दो दो शब्द आते रहेंगे क्यू के साथ में, एन्जॉय करते हैं क्यू वाली बुकलेट को। तो ये शब्द क्वेश्चनेबल, इसका मतलब होता है बच्चों जिस पे प्रश्न उठाया जा सके, यानी कि संदिग्ध, या कह सकते हैं आप विवादास्पद। तो हमें जो इसका सिनोनिम देना है वो आंसर क्या हो जाएगा, डिस्प्यूटेबल, या इसके और भी सिनोनिम है अगर आप चाहिए तो कॉन्ट्रोवर्शियल भी बन जाएगा, ठीक। परपीचुअल होता है लगातार, यानी कि एटर्नल। नॉर्मल की बात करेंगे तो यह साधारण सा होता है। अच्छा, अगर नॉर्मल का एंटोनिम दूं आपको मैं तो बन जाएगा अनयूजुअल। अनयूजुअल होता है अजीब सा। और पेयरलेस की बात करूंगा तो पेयरलेस तो बच्चों मैचलेस होता, ये एंटोनिम है, ये सिनोनिम है। परपीचुअल का सिनोनिम एटर्नल, नॉर्मल का एंटोनिम अनयूजुअल, और पेयरलेस का सिनोनिम है हमारा मैचलेस, यानी कि यूनिक। दूसरा शब्द है हमारा क्वारंटीन। ये शब्द तो काफ़ी लॉकडाउन COVID-19 के समय पे चला, इसका मतलब वही है जो आप सोच रहे हो, किसी जानवर या इंसान या पक्षी को बीमारी लगने के बाद उसे लोगों से अलग रखना कुछ अवधि के लिए, ताकि वो जो बीमारी है वो फैले ना, तो इसी को बोलते हैं बच्चों अलग रखने की अवधि, अलग रखना या रहना। अगर मुझसे आप इसका सिनोनिम पूछेंगे तो मेरा बन जाएगा आइसोलेट, या सेपरेट भी बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप मुझसे इसका एंटोनिम पूछ तो यूनाइट भी बन जाएगा, एक करके रखना, और इसका एंटोनिम पूछेंगे तो सोशिएबल भी बन जाएगा। होटी की बात करेंगे बच्चों तो ये होता है घमंडी, इतना कि वो दूसरे लोगों को नीचा समझता। एक बड़ी बात आपको मैं बहुत बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, नंबर मिल जाएगा मुफ्त का एकदम। अंग्रेजी में ये जो शब्द है ना, ये है ही नहीं। प्राउडी कोई शब्द नहीं है, प्राउड है, प्राउड एडजेक्टिव है, वो प्राउड ही नाउन है, और मजे की बात यही घमंड है और यही गर्व है। सिचुएशन के हिसाब से समझना पड़ता है कि गर्व है या घमंड है। जैसे ही इज प्राउड ऑफ हिज वेल्थ, उसे अपनी दौलत पर कभी गर्व नहीं हो सकता, घमंड होगा। और वे ऐसे बोल दें कि ही इज प्राउड ऑफ हिज इंटेलिजेंट बॉय, तो अब ठीक है, उसे अपने इंटेलिजेंट लड़के पर गर्व है, एक बात। दूसरी बात बच्चों, प्राउड नाउन है, प्राउड एडजेक्टिव है, लेकिन प्राउडी कोई शब्द है ही नहीं ब्रिटिश ग्रामर में। आए तो एक नंबर मिल जाएगा आपको, इसके ऊपर काट देना इसे। अब हमने बताया कि ये नहीं है, ये है, ये है, लेकिन अब उसने दे दिया प्राउडली, तो बच्चों इसको कब मना कर दिया मैंने आपसे, ये सही है, ये गलत है, प्राउडली नोट कर लेना इस बात को, अच्छी चीज बताई मैंने आपको यहाँ पे। अब ये सब बातें क्यों आई थी, क्योंकि इसका जो सिनोनिम है बच्चों, प्राउड बन सकता आराम से, यहाँ पे घमंड का मिलेंगे, इसका मतलब घमंडी से, आंसर दूसरे का दूसरा हो जाएगा। जो बातें पीछे बताई नोट कर लेना, जब सामने आएंगी तो याद करोगे कि हाँ अजीम सर ने ये भी बताया था, वो सही है हमारी बात। बच्चों क्वेक के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है बत्तख की आवाज़, जो बत्तख आवाज़ निकालती है ना, वो भी इसका मतलब है, बत्तख की जो कांका होती है, बत्तख की आवाज पे। एक इसका मतलब और होता है नीम हकीम, यानी कि ए पर्सन, वन वर्ड बन जाएगा इसका, ये हु डिसऑनेस्टली, जो बेईमानी से,
प्रिटेंड्स ए पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू बी ए डॉक्टर, जो धोखा दे करके उल्टी सीधी डिग्री हासिल करके ये दिखाना चाहता, बन के दिखाना चाहता कि मैं डॉक्टर हूँ। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेक। अब सिनोनिम की बात करेंगे तो इम्पोस्टर भी है, और सिनोनिम की बात करेंगे तो बच्चों शार्लटन भी है। शार्लटन ये भी इसका सिनोनिम है। तो सिनोनिम इम्पोस्टर भी है दो के पास, सिनोनिम शार्लटन भी है। अच्छा, अगर एंटोनिम की बात करेंगे तो जेन्युइन, ये असली होता जो होता ही है। प्लेसिड की बात करेंगे तो शांत होता है ये, काम। और मैंने बताया था आपको ये क्या होता है, कॉन्फिडेंस यानी कि कामनेस। पॉइज शांत स्वभाव से चीज़ों को करने की कला, तीसरे का आंसर पहला हो जाएगा। चार नंबर पाएंगे क्वेंच का मतलब होता है प्यास बुझाना, प्यास तो अलग से मिलेगा आपको, शब्द बुझाना है इसका मतलब तो। और बच्चों इसका मतलब कहीं ना कहीं आग बुझाने के भी काम आएगा, ठीक है ना। ये आराम से एक्सटिंग्विश का भी सिनोनिम बन जाएगा, एक्सटिंग्विश का आराम से सिनोनिम बन सकता है ये। फिलहाल जो सिनोनिम है इसका वो दूसरा है, सेटिस्फाई योर हंगर, सेटिस्फाई योर थर्स्ट। ऐसे ही क्वेंच योर थर्स्ट, क्वेंच का एक मीनिंग आग बुझाने के भी काम आएगा। अच्छा, अगर एंटोनिम की बात करो तो इंस्टिगेट, क्योंकि इसमें भड़का देते हैं चीज़ों को, आग भड़का दी, भूख और ज़्यादा प्यास बढ़ा दी, इस टाइप से है। पर यूज़ का मतलब तो आपको पता ही है, स्टडी या रीड। ऑर्नेट का मतलब होता है सजावटी, डेकोरेटेड। आंसर चार का जो है वो दूसरा हो जाएगा। पांचवें नंबर पर आएंगे क्वेस्ट का मतलब होता है खोज, खास तौर से ना, वैसे तो ये वर्ब बना सकते हैं लेकिन नाउन ज़्यादा होता है, तो इसका सिनोनिम क्या बन जाएगा, तीसरा। पेंसिव की बात करेंगे तो थॉटफुल, विचारशील। ऑसिलेट की बात करेंगे तो ये हिलना होता, स्विंग, कितनी स्विंग कर रही है चीज पता आपको बच्चों, मैं पूछना चाह रहा हूँ, स्विंग की सेकंड फॉर्म स्वेंग कभी हो ही नहीं सकती। सेकंड भी स्वंग होती है और थर्ड भी यही होती है, तो स्विंग फर्स्ट फॉर्म, स्वंग स्वंग सेकंड, स्वंग थर्ड, ये नहीं होता, स्वेंग नहीं मिलता आपको अंग्रेजी में। चलो पांचवे का आंसर तीसरा होगा। नलीफाई का मतलब होता है रद्द कर देना, इनवैलिडेट कर देना, कानूनन रूप से किसी चीज को रद्द कर देना। कैंसिल भी सिनोनिम है इसका। पांचवे का आंसर तीसरा हो जाएगा। छह की बात करें अगर हम, क्वैंडरी, क्वैंडरी का मतलब होता है बच्चों उलझन या मुसीबत। इसका सिनोनिम जो है हमारा मैज भी बन जाएगा, मैज, और इसका सिनोनिम मैस भी बन जाएगा, और इसका सिनोनिम जो इस टाइम है वो डिलेमा भी है, सिनोनिम पजल भी है, सिनोनिम कॉनंड्रम भी है। और बच्चों इसका जो एंटोनिम है वो सॉल्यूशन है, तो जब इसमें होता है ना व्यक्ति क्वैंडरी में, तो वो समझ नहीं पाता कि मैं क्या करूं। छः का आंसर चौथा है। पिक्वाइंट, पिक्कंट का मतलब होता है बच्चों तेज स्वाद, मतलब जिसमें मसाले काफ़ी हों, मसालेदार। आपने एक शब्द सुना होगा चटनी, तो चटनी अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं, चटनी, जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ ये लिखते हैं चटनी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लिखते हैं, ये लिखना बच्चों आप, मैं चेक कर लेता हूँ, उससे कन्फ्यूज़न हो गया मुझे। अब यही है चटनी लिखे हुए, ठीक है। चलो अब मैं बात कर रहा था पिकंट की, तो ये तेज स्वाद मसालेदार होता तो सिनोनिम क्या बन जाएगा, स्पाइसी। बच्चों ब्लेंड होता है साधारण, कम मसालेदार, तो ये क्या बन जाएगा इसका एंटोनिम, ब्लेंड, एंटोनिम ब्लेंड इसका। पिकंट का सिनोनिम स्पाइसी है। परनीशियस तो बच्चों हानिकारक होता है, हार्मफुल। और बच्चों परवर्स का मतलब होता है बदतमीज टाइप का, यानी कि कह सकते हैं आप इसे कि एडमेंट भी कह सकते हैं आप इसे, अड़ियल, ऑकवर्ड भी कह सकते हैं आप इसे, ठीक है।
और वो तो होता ही है घमंडी, मतलब सॉरी जिद्दी, जिद्दी भी होता है, घमंडी नहीं जिद्दी, परवर्स, जिद्दी, एडमेंट, ऑकवर्ड, स्टबबोर्न, सातवें कांड से तीसरा हो जाएगा। आठवें नंबर पर जाएंगे तो पैरोकियल, पैरोकियल का मतलब होता है, पैरोकियल का मतलब होता है संकीर्ण सोच वाला, संकीर्ण सोच वाला। सिनोनिम चाहिए नैरो माइंडेड, एंटोनिम चाहिए ब्रॉड माइंडेड, प्रोलिफिक चाहिए तो होता फर्टाइल, उपजाऊ या प्रोडक्टिव, ओपरव्यू चाहिए तो होता स्कोप या एक्सटेंट। चलिए आठवें का आंसर पहला हो जाएगा। नौ नंबर पाएंगे तो प्रीरोगेटिव का मतलब होता है प्राधिकार। अब ये प्राधिकार क्या होते हैं बच्चों, देखो कुछ ऐसे अधिकार हैं जो हर इंसान के पास हैं, जैसे खुले में सांस लेना, ऑक्सीजन पे कोई पाबंदी नहीं है, पानी पीना, अपनी पसंद की पढ़ाई चुनना, ऐसा नहीं है कि आपको साइंस ही पढ़नी है, आप बायोलॉजी वगैरह कुछ और भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो हमारे सामान्य से अधिकार हैं, या किसी पद पर रहते हुए मिलने वाले अधिकार जो उसके काम में है वो ले लेगा उसका, तो इसका मतलब होता है प्रीरोगेटिव। तो इसका सिनोनिम जो बनेगा हमारा वो बनेगा बच्चों प्रिविलेज। एक इसका सिनोनिम और होता है एंटाइटलमेंट, ये भी वही है ना, जो उसे पद पर रहते हुए अधिकार मिले हैं, तो ये बन जाएगा इसका सिनोनिम। अच्छा प्रोहिबिशन की बात करूंगा तो ये एंटोनिम है, इसमें वो लग जाती है ना पाबंदी, इसमें अधिकार मिले हुए काम करने के, इसमें पाबंदी लग गई तो एंटोनिम बनेगा इसका। नॉस्टैल्जिक की बात करेंगे तो बच्चों ये होता है पास्ट मेमोरी, यानी कि पास्ट में जो काम हो चुका है उसकी याद होना, उसकी याद आना, ये इसका मतलब होता है। नार्सिसिज्म की बात करेंगे तो ये होती है सेल्फ एडमिरेशन, अपनी खुद की प्रशंसा। नो का आंसर चौथा बन जाएगा। फिर हम गए प्रेसिडेंट, ये पी वाले भी हैं, क्यू पी दोनों चल रहे हैं, पी वाले खत्म हो जाएंगे कल ही आज को, फिर क्यू वाले चलते रहेंगे थोड़े दिन। तो प्रेसिडेंट का मतलब होता है पूर्व का, पहले का। तो हमसे क्या पूछा है इन्होंने, एंटोनिम सिनोनिम पूछते तो प्रीवियस, सिनोनिम पूछते फॉर्मर, एंटोनिम पूछा है आंसर है सब्सिक्वेंट, बाद वाला, या इसका सिनोनिम ये भी बन जाएगा LATER। अच्छा डिक्टेशन की बात करेंगे तो ये होता है इमला, इमला, हाँ ये होता है इमला डिक्टेशन, जो आप लिखते होंगे शॉर्ट हैंड वगैरह में वो यही है, ठीक है ना, इस तरीके से तो हो जाएगा इमला। दस का आंसर तीसरा है। अब मैं जाऊंगा ग्यारह नंबर पे, ही इज ब्लैंक। बच्चों ये बहुत बड़ा रोल निभाता ग्रामर में, इसे बच्चे परिचित नहीं होते लेकिन हम बता रहे हैं आपको, ये बी है। बी के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ ही नहीं सकती, बी के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ ही नहीं सकती, ये मेन वर्ब थी, ये एडजेक्टिव है। अगर फॉन्ड लगाओगे तो इसे ऑफ चाहिए, हालांकि बिलोंग को भी टू चाहिए, स्टिक को भी टू चाहिए, प्रोन को भी टू चाहिए, लेकिन स्टिक टू का मतलब होता है नियमों का पालन करना, यहाँ पे कुछ है नहीं ऐसा, और बिलोंग टू का मतलब होता है संबंध रखना। तो ये अगर ग्रामर के हिसाब से गलत नहीं होंगे तो ये मीनिंग से भी गलत हो जाएंगे। अब दो बचे मेरे पास में, फॉन्ड ऑफ हटा दो, प्रोन टू होता है बच्चों, इसका मतलब होता आदत में होना, वो काम करने की आदत होती है उसकी। तो ही इज प्रोन टू, ही इज प्रोन टू लॉसिंग हिज टेम्पर, लॉस टेम्पर का मतलब होता है गुस्सा हो जाना, नियंत्रण खो देना, तो उसकी आदत है भैया, वो अपना जो है गुस्सा हो जाता है, अपना नियंत्रण खो देता है जब वो, जब लोग उससे असहमत होते हैं, जब उसकी बात को नहीं मानते तो वो गुस्सा हो जाता है। चौथा आंसर है प्रॉन, अभी बताया था मैंने प्रवृत्ति होना, आंसर बन जाएगा इसका इंक्लाइंड। रेजिस्टेंट तो इसका एंटोनिम है, इसमें तो विरोध होता है, विरोधी होता है, इसमें होती प्रवृत्ति काम करने की, इसमें खिलाफ होती है रेजिस्टेंट में। प्रोडिगल की बात करेंगे तो ये वेस्टफुल होता, बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला। प्रोफेन की बात करेंगे तो ये होता है इरिलीजियस, अधार्मिक बातें, या ब्लेस फेमस भी बोल सकते हैं आप इसे। बारह का आंसर तीसरा हो जाएगा। अब तेरह नंबर पाते हैं लाइंग अंडर ओथ, यानी कि शपथ ले ली कि झूठ नहीं बोलूंगा, गीता पे हाथ रख के या किसी भी चीज पे, और झूठ बोलते हैं, ये जो होता है इसे बोलते हैं परजरी, परजरी बोलते हैं इसे, आर साइलेंट होता है पजरी पढ़ते हैं इसे, पजरी, आर साइलेंट होता है इसका बच्चों। एंटोनिम इसका वेरेसिटी है, क्योंकि ये तो हो गया झूठ, और ये होता है सच, सच्चाई, ईमानदारी। चलो पेन्यूरी क्या होती है बच्चों, गरीबी,
पॉवर्टी और पेक्यूनियरी भी क्या होती है बच्चों, परटेनिंग टू मनी, पैसे संबंधी, परटेनिंग टू मनी। एक बात और मैं आपको बता दूं, इसके लिए ये भी आ सकता है आंसर, वायलेशन ऑफ एन ऑथ। वायलेट होता है नियम कानून तोड़ देना, तो वायलेशन हो गया कसम तोड़ देना, मतलब कसम खा के भी झूठ बोलना, वायलेशन ऑफ एन ऑथ। चलो 13 का आंसर दूसरा है, कोर्ट में ज्यादा होता है, कोर्ट अदालत में ये काम। द आर्मी वाज सेंट इन, आर्मी को बुलाया गया था या तैनात किया गया था। रिबेलियन होता विद्रोह, जो विद्रोह कहीं पर हो रहा हो। बहुत बढ़िया शब्द आया है यहाँ पे, समझ लो। तो वो क्वेस्ट तो सर्च ही होता है, खत्म हो गया, ये तो हमारा है नहीं आंसर। क्वेस्ट के दो मीनिंग है, दोनों समझ लो आप। क्वेस्ट का एक तो मीनिंग होता है रद्द करना, रद्द करने से क्या मतलब है, वही नलीफाई, सिनोनिमेस का नलीफाई, और इनवैलिडेट भी सिनोनिमेस का क्वेस्ट का। क्वेस्ट का एक मीनिंग और होता है कुचलना, लेकिन कुचलना क्या है, रुक जाओ अभी, कुचल देना किसी झगड़े को, विद्रोह को, आंदोलन को। तो इसमें क्या होता है, सेना का या पुलिस बल का इस्तेमाल करके उसे दबा देते हैं, तो ये दबाना जो है इसी को बोलते हैं क्वेश कर दिया, और नलीफाई करना भी यही है। क्वेंच का मतलब मैंने बता ही दिया था आपको, प्यास बुझाना अपनी, सेटिस्फाई। क्वेक का मतलब था वही इम्पोस्टर या शार्लटन। अब आप बताओ, आर्मी को भेजा गया था या तैनात किया गया था या बुलाया गया था क्या करने के लिए, क्वेश, क्वेश द रिबेलियन, विद्रोह को दबाने के लिए, उसके लिए स्पेशल शब्द ही क्वेश, नोट कर लेना है साहब। अब ये वाले ऑप्शन है, मीनिंग तो लिखने नहीं पड़ेंगे, लेकिन देख लो, दैट ब्लैंक डजंट नो एनीथिंग अबाउट ट्रीटिंग हार्ट डिजीज, दिल से संबंधित बीमारियां, हृदय संबंधी बीमारियों का इलाज करने की उसे बिल्कुल भी समझ नहीं थी, तो वो क्या होगा बच्चों, क्वेक होगा वो, क्योंकि तो उसे समझ नहीं थी। फिर आते हैं विल दिस योर थर्स्ट, क्या ये चीज़ जो भी है पानी पीने की या कोई कोई भी चीज़, क्या ये चीज़ तुम्हारी प्यास बुझाएगी, इसका मतलब ये है, आंसर तीसरा हो जाएगा। अब आते हैं व्हाट इज द प्रीफिक्स इन डिस एसोसिएट, तो बच्चों ये बोल रहे हैं कि प्रीफिक्स बताओ क्या है। एक दो दिन में सफिक्स भी शुरू करने वाला हूँ, सब आएगा वापस, थोड़ा टेस्ट के बाद में डिले हो जाता। तो प्रीफिक्स क्या है इसमें बच्चों, प्रीफिक्स तो ये है, ये थोड़ी कोई शब्द है, तो ऐसी है बस। तो डिस एसोसिएट का मतलब होता है मिलना, मिलके काम करना, किसी के संगठन में बन जाना, डिस एसोसिएट अलग हो जाना, आंसर दूसरा है। बच्चों SSC GT 2021 में आया हुआ है, जुबिलेशन का मतलब होता है खुशी, तो सिनोनिम तो बच्चों इसका रिजोइसिंग बनेगा। एडवर्सरी की बात करूं तो ये विरोधी होता है, ओपोनेंट, दुश्मन, ठीक है ना, सिनोनिम। सबमिशन की अगर मैं बात करूं तो ये होता है बच्चों, सबमिशन का मतलब होता है समर्पण। इसका मतलब ये है बच्चों, जो व्यक्ति सबमिशन कर गया उसने हार मान ली, वो झुक गया उसके आगे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं होता है सरेंडरिंग, या सरेंडर के दो आप इसे सिनोनिम। बच्चों ये और ये एक दूसरे के एंटोनिम है, सब्जुगेशन उसका एंटोनिम है, सबमिशन का पता है क्यों, सब्जुगेट एक शब्द होता है, सब्जुगेट उसी का नाउन है ये, इसका मतलब होता है काबू करना, दूसरों के ऊपर अपना नियंत्रण कर लेना, अपने कब्जे में कर लेना, उन्हें हरा देना, इसका मतलब होता है। तो 18 का आंसर तीसरा हो जाएगा। फिर मैं 19 पाया, फोरशेक त्यागना, सिनोनिम है एबेंडन। एंटोनिम पूछते तो कई सारे मीनिंग थे, जैसे एंटोनिम में ये भी बन जाएगा, एंटोनिम में एडॉप्ट भी बन जाएगा, एंटोनिम में ये भी बन जाएगा। जो सबसे बढ़िया इसका एंटोनिम होता बच्चों, वो होता हमारा ये, नहीं होता तो फिर ये होता। 19 का आंसर चौथा, ये लास्ट एग्जाम्पल है हमारा आज का। रिबेल, अभी तो बताया था मैंने आपको, रिबेलियन था क्या था वो, हाँ रिबेलियन विद्रोह, तो उसी से बना हुआ एडजेक्टिव है ये, रिबेलियन विद्रोही, जो विद्रोह कर रहा होता है, तो यानी कि विद्रोही का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खिलाफ होने वाला, विद्रोही, कंट्रोल में नहीं आएगा ये। सिनोनिम है इसका अनरूली। एंटोनिम पूछते तो बनता मैनेजेबल, जिसे मैनेज कर सकते हैं। ओबेडियंट आज्ञाकारी, हैप्पी होता है हमारा, खुशहाल, खुशी। इसका एक शब्द दूं आपको, प्लायंट, इसका सिनोनिम है प्लायंट, कॉम्प्लियंट जो होता। 20 का आंसर दूसरा, बाकी बातें कल एक्सरसाइज के साथ में, प्लस क्लास के साथ में, प्लस
क्वेरी जो मैं पूछे करूंगा आपसे कमेंट बॉक्स में, उसके साथ में शायद सफिक्स भी हो सकता है। बाकी बातें कल होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।